again. अंतरिक्ष युग की शुरुआत 4 अक्टूबर 1957 को जब स्पुतनिक 1 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया। इस प्रकार अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई। सफल प्रयास करके रूस ने दुनिया को चौंका दिया। पूर्व सोवियत संघ को अंतरिक्ष में पहली मानव निर्मित वस्तु भेजने का गौरव प्राप्त हुआ। शब्द स्पुतनिक का मूल अर्थ साथी यात्री था, लेकिन आधुनिक रूसी में उपग्रह का पर्याय बन गया है। स्पुतनिक एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बना गोला था। यह कहा जाता है कि ढाल को अत्यधिक पॉलिश किया गया था ताकि स्पुतनिक को दूरबीन से पृथ्वी से देखा जा सके। यह 23 इंच 58 सेमी व्यास का एक बीच बॉल के आकार के बराबर था और इसका वजन 184 पाउंड 83 किलोग्राम था। इसके 4 बाहरी रेडियो एंटीना रेडियो पल्स को प्रसारित करने के लिए थे। स्पुतनिक से प्रसारण 1957 में 21 दिनों के लिए किया गया था। स्पुतनिक 4 जनवरी 1958 लगभग 60 मिलियन किमी की यात्रा करने और कक्षा में लगभग 3 महीने बिताने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय जल गया। जाहिर है अगला कदम अंतरिक्ष में एक जीवित प्राणी को भेजना था। 3 नवंबर 1957 को सोवियतों ने स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया, इस बार बहुत भारी पेलोड लेकर, जिसमें लाइका नामक एक आवारा कुत्ता शामिल था। एक हफ्ते पहले ही मॉस्को की सड़कों से उठाया गया था। अफसोस की बात है कि घबराहट और गर्मी से लॉन्च के कुछ घंटों के भीतर लाइका की मौत हो गई। पहला अमेरिकी सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 था, जिसे 31 जनवरी 1958 को लॉन्च किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपोलो चंद्र लैंडिंग कार्यक्रम के साथ 60 के दशक के अंत में अंतरिक्ष की दौड़ में एक बड़ी छलांग लगाई, जिसने जुलाई 1969 में चंद्रमा की सतह पर 2 अपोलो 11 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक उतारा। भारत द्वारा बनाया गया पहला मानव रहित पृथ्वी उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे बेंगलुरु के पास पीनिया में इकट्ठा किया गया था, लेकिन 1975 में एक रूसी निर्मित रॉकेट द्वारा सोवियत संघ से लॉन्च किया गया। इंदिरा गांधी ने भारत के पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा था। भारत ने 1975 के बाद से 118 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। फरवरी 2017 में इसरो ने एक ही बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इन 104 सैटेलाइट में से केवल 3 भारतीय सैटेलाइट थे। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। मस्ट शेयर एंड कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।